हाय एंड वेलकम बैक टू दी चैनल के सब सबका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं YouTube और ब्लॉगिंग दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप आके एडसेंस यूज़ कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस लेके आता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। और आप आके बात करते कि क्या नया अपडेट है गूगल एडसेंस की तरफ से यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स के लिए। तो गाइस हमें पता है कि हम लोग जब भी आके गूगल में मतलब गूगल एडसेंस में हम लोग जब भी आके $10 का जो ये है इनकम अगर हम लोग कमा लेते हैं तो हम लोगों को आके वेरीफाई करना पड़ता है हमारा कोई भी एक एड्रेस प्रूफ के साथ, जैसे कि हो गया हमारा आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, फिर आके वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट। ठीक, तो अब आके गूगल एडसेंस ये नया रूल लिखे है कि आप लोग आके अपना आधार कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हो कोई भी एड्रेस प्रूफ के लिए। ठीक, मतलब घर पे आपको एक और पिन दिया जाता है, मतलब कंफर्म करने के लिए कि आप इस एड्रेस पे रहते हो या नहीं। तो इसके लिए आके गूगल एडसेंस ने आके एक चीज़ निकाल दिया है, उसमें से आके है आधार कार्ड। आधार कार्ड से आप आके आपसे अपना जो वेरिफिकेशन है वो आप नहीं कर सकते हो और आपको पिन नहीं मिलेगा। आप चाहो तो पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो, जो कि 150 से लेके 250 के रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाता है। उसके बाद आपके आपके पास अगर पासपोर्ट हो, इंडियन पासपोर्ट, तो आप आके इंडियन पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो, और वोटर आईडी कार्ड है तो भी वोटर आईडी कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, और दूसरा डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट है तो आप आके उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप अगर आपको अगर कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट है, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा गाइस, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह की वीडियोस लेके आते रहता हूँ। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।